है आपके होंठों पे जो मुस्कान वगैरह बिकवाना दे कहीं मेरी दुकान वगैरह। कुर्सी तो बन चुकी है मेरे लीडरों का खेल, संगीन होना जाए ये बहरान वगैरह। म्यूजिकल चेयर है जारी, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, आज तो बंद बैंक के मैनेजर लग रहे वासे भाई, बड़ा अरसा हो गया थोड़े ना दोस्ती नु, आज खाना तो खवाओ। कहना वो बंदा लभ जिन्हें खवाना, मैं भी तीन दिन तो भुखा। मैनू करो तो जल्दी जल्दी आमद नु गल दसनी। मैं कहते मैं आया बैठा, मैं क्यों आया जी? कहते इमरान खान साहब नहीं सी कहते कि कोई रह तो नहीं गया, वो चौधरी शुजात साहब रहिंदे सन। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए एमपी है पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब शबीर गुजर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन ब्लॉगर एंड मॉडल मोहतरमा सुंदर सफीर। वेलकम टू द शो जी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद जी, आप फर्स्ट टाइम एमपीए बने हैं और बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ बने हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आज जी के माहौल पे एक शेर लाया हूँ सर कि सियासत अपने जोबन पर नजर आने लगी है। आने लगी है, क्या बात। सियासी पार्टियों की गर्मजोशी आसमां को छू रही है। अब इस भगदड़ में ठाकुर क्या करूं, अच्छा। मोहब्बत और अखुवत फीती फीती हो रही है। चुप्पा मट के बह गए हाँ, हिजरा तेनू सह गए हाँ, वेड़ा इको रखन ली वीर दे पैरी पै गए हाँ, ए भी सच्चे मैं ते ओ कल्ले कल्ले रह गए। क्या कहने, पता नहीं बात करते करते होंठ सिलेगा। अरे वाह, उसे देख के अचानक चेहरा खिलेगा खिलेगा। आपको वजीरे आला होना चाहिए था गुजर भाई, और कुछ नहीं तो दूध तो खालस मिलेगा। साहब क्या हालचाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी। पहले तो आपको मुबारक हो जी, आप पंजाब असेंबली पहुंचे हैं जी। खैर मुबारक जी, बाय इलेक्शन के अंदर आप जीते जी। और बड़ा मुश्किल इलेक्शन था क्योंकि लाहौर से था आपका इलेक्शन जी, बड़ा टफ था जी। और उसके अंदर मुकाबला था आपका नजीर चौहान से, जो कि आपके थे पुराने सिपाही, टिल द टाइम के उन्होंने अपनी साइड बदल ली जी जी जी। पहली बार असेंबली च गए थे, वेख के कहंदे बड़ा वड्डा इत्थे ते वाह मज्जां बज जांदियां। साहब कैसा महसूस हुआ जब पहली बार असेंबली गए? जी अल्लाह का शुक्र जी, मेरे अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा लगा कि मेरे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा कर लूँ उतना ही कम है, और उसके बाद अपने कायद का, अपने लीडर का, कि जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मुझे टिकट दी। आज मेरे अल्लाह ताला ने मुझे उस आवाम में पहुँचाया, और उसके बाद मेरी आवाम का जिस मुश्किल में, इतनी गर्मी में, इतनी पुलिस गर्दी में, हुकूमत के खिलाफ वो जुर्त वाले लोग हैं, जुर्त वाली मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, जिन्होंने मेरा साथ दिया और डट कर इस माफिया के खिलाफ मुकाबला किया और पाकिस्तान की जीत हुई। मुझे ये बताइए कि पहला इलेक्शन आपने लड़ा है? जी मेरा पहला इलेक्शन। इस हल्के से आपने पहले अप्लाई किया था टिकट के लिए? जी पहले मैंने 2013 में भी अप्लाई किया था, 2018 में भी अप्लाई किया था, दोनों दफा नहीं मिला था पार्टी ने, दोनों दफा नहीं दिया, नहीं दिया था। और ये 2018 में जब आपने किया तो आपको नहीं दिया और नजीर चौहान को दे दिया था 2018 में नजीर चौहान को। और इस बार उन्होंने आपका फैसला कैसे कर लिया? इस बार भी मुझसे पहले आतिफ चौधरी को टिकट मिला था, बाद खान साहब ने मुझे बनी गला बुलाया, बुला के कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा जी जरूर, क्यों नहीं लड़ेंगे जी। फिर मैदान में उतरे हैं, अल्लाह ने इज्जत दी, अवाम ने इज्जत बख्शी, और मेरे अल्लाह का शुक्र है। वैसे आज आपके मुझे बताएं, मुश्किल था इलेक्शन? एक तरफ
ऑफकोर्स जीत की खुशी होती है जी, जी, मगर जी। आपका हलका इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो 20 हलकों में आप ही के लोग थे जिन्होंने जो मुनरिफ हुए और उसके बाद आप लोगों को रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया और लाहौर के अंदर से एक सीट निकालना इस टाइम पे और वो भी एक अपनी ही सीट एक अजीब किस्म की सिचुएशन है ये कि आप एक तो हुकूमत के खिलाफ भी लड़े हैं मगर साथ साथ आप अपने के खिलाफ भी लड़े हैं जो पहले कम अज कम अपना था जी जी तो वोटर भी एक बड़ा अजीब से ही जोन के अंदर जाके होते वोटर तो उनका भी वही होगा चौहान साहब का भी जो आपका भी था हल्का वही है और वहीं से वो आप ही की सीट पे जीते हुए जी जी वोटर वो इमरान खान का था चौहान साहब का नहीं था अच्छा। ना ही मेरा था वो सिर्फ ओनली इमरान खान का इमरान खान को वोट मिले हैं मेरी भी कोई औकात नहीं मेरी भी कोई हैसियत नहीं सिर्फ मेरे पास टिकट थी बल्ले की इमरान खान की उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इज्जत दी उठे हल्के च ना 8-10 पुलिस वाले आए ने ते उम्र छोटी है ना तो पुलिस वाले कह रहे थे कलो मैं अपने बड़े भरा नु ले गए सुंदर जी आपके क्या हाल हैं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं ठीक बिल्कुल ठीक ठाक आपने शो देखा हुआ है ना हाँ जी बिल्कुल देखा सो यू हैव एन आइडिया जी जी बिल्कुल ये मुझे बताएं फैशन आपने जो था डिजाइनिंग पढ़ी हाँ जी, मगर उसके बाद आप ये बजाय इसके कपड़े और बनाती हैं आपने दूसरों के पहनना शुरू कर दिए नहीं बिल्कुल मुझे हमेशा से शौक था अपने कपड़े में हमेशा से खुद डिजाइन करती थी और फिर मैंने इसलिए फैशन डिजाइनिंग में डिग्री की और अभी भी मैं डिजाइनिंग भी करती हूँ और उसके अलावा लोग मुझे कहते थे बहुत अच्छा कैरी करती हैं वो कपड़े भी आप खुद ही पहनती हैं किसी और मॉडल को मौका देती हैं नहीं वो खुद भी पहन लेती हूँ मॉडल अच्छा, को अपने जो कर रही हैं वो भी खुद ही पहन रही हैं जो दूसरे कर रहे हैं वो भी आप ही पहन रही हैं धोती तैयार कर लेंगे पढ़े लिखे नहीं तिले वाले धोती को कहते हैं लहंगा मैं सिर्फ लड़कियों के कपड़े बनाती हूँ वो सिर्फ लड़कियों के कपड़े बनाती है लहंगा केड़ा मैं टार्ज़न से मुझे लगा कि धोती से उनको लगा था धोती भी आजकल जो पहनती हैं लड़कियां भी साथ में वो लाचा कुर्ता बड़ा अच्छा लगता है उनको तो ऐसे डिजाइनिंग किया करें वो ज्यादा सेल होंगे आपके जी ठीक है किस तरह के डिजाइन कर रही हैं आप आउटफिट्स ईस्टर्न कपड़े में डिजाइन करती हूं अपने हमेशा से खुद करती थी डिजाइन तो उसके बाद फिर मुझे ये हुआ मैं बाकी अब मतलब ईस्टर्न ही कोई वेस्टर्न वगैरह वेस्टर्न भी करती हूं और इस सहूलत से आपके बाकी खानदान वाले भी मुस्तफीद होते हैं या नहीं वो भी आपको कहते हैं कि हमारे कपड़े भी डिजाइन कर दो हां बहुत लोग मुझे कहते हैं अद्दा खानदान नाराज होया कि हना और सुंदर से साडे सारे सूट खराब कर दिया वे इसलिए मैं बनाती नहीं हूं खानदान वालों के अच्छा ये मैं वैसे एक चीज मैं नोटिस करता हूं कई बार जब आप कोई भी इस तरह किसी खानदान के बड़े की बात करते हैं तो आप ये सर्टेन एक्सप्रेशन और इस तरह की एक्टिंग करते हैं मैं आपकी पप्पो से मिलना चाहता हूं अच्छा तो आपको घर वाले कहते रहते हैं कि आपके जानने वाले भी कि हमारे हाँ, कपड़े घर वालों के तो मैं करती हूं और ये होता है आपके साथ कि बिकॉज यू आर आल्सो अ डिजाइनर योरसेल्फ तो आप लोगों के कपड़े आप खुद एस्थेटिकली हाँ, देख रही होती हैं कि हाँ, क्या बिल्कुल मैं देख रही होती हूं हर चीज को देख रही हूं इनकी ड्रेसिंग के बारे में आप क्या कहेंगी बोल के आप देखिए कुछ तो कहे ना ऐसे तो नहीं हो सकता ठीक है पोलो शर्ट अगर उनका स्टाइल है उन्होंने पहनी हुई है तो सही लग रही है इनको ये रंग इनको सही लग रहा है बिल्कुल ठीक लग साथ वाले जो भाई हैं साथ वाले आपके भाई जो कैसे साहब इनका बिल्कुल ठीक है ये नहीं ठीक तो है मगर है क्या ये टी-शर्ट पहनी हुई है टी-शर्ट पहनी हुई है शबीर साहब को बताइए इनका कैसी लुक है इनकी इनकी अपने करेक्टर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है पॉलिटिशियन की लुक ये सही है आपके ख्याल से भावे एमपी है ना शबीर भाई लेकिन बैलेंस घट पाते ने कि भरा कड ना लवे नहीं जा सकता जब से महंगा है मटन चिकन का सहारा था वो भी महंगा है तो खाया तो नहीं जा सकता जिस तरह आप चलाने की है कोशिश में हुजूर इस तरह मुल्क चलाया तो नहीं जा सकता सही कह रहे हैं आप जी रुखमा सुंदर ये बताएं कि मॉडलिंग और फैशन इन्फ्लुएंसिंग में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट मॉडलिंग और इन्फ्लुएंसिंग अच्छा इन्फ्लुएंसिंग बेसिकली ये है कि आप किस तरह से अपने स्टाइल से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो भी आपकी तरह ही आपके स्टाइल को कॉपी करें और मॉडलिंग ये है कि आप बेसिकली दूसरों के कपड़े या अपने कपड़े पहन के आप कैसे उनको कैरी करते हैं इट्स अबाउट दैट सुंदर मैं भी एक सवाल पूछना चाहता था कि मॉडलिंग और मोहब्बत में क्या फर्क है मॉडलिंग वो है जो वो करती है मोहब्बत वो है जो आप रोज करते हैं आपका नाम सुंदर है मेरा नाम हकीकत है तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं इनका आपस में कोई लिंक नहीं है कोई लेना नहीं मैं ये मॉडलिंग का तो सुनता रहता हूं मोहब्बत का कभी नहीं सुना तो आप अगर बता दें तो
आपको पता बैचलर और मैट्रिक क्लियर नहीं है इस वजह से, तो अभी आगे जिंदगी को बढ़ाना है तो मैं चाह रहा हूँ मोहब्बत के बारे में पता होना चाहिए। आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा जी, मॉडलिंग या ये डिजाइनिंग ये तो अलग है। हाँ जी बिल्कुल अलग। अच्छा अगर मुझे किसी से मोहब्बत हो जाए तो मैं कैसे इजहार करूँ, थोड़ा सा अगर बता दें देख ले। मुझे इस बारे में कोई वो आइडिया नहीं है। नहीं वैसे कहना क्या चाहिए, वो तरीका भी तो होता है ना थोड़ा सा, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा ना वो पढ़ी लिखी होती है ना, तो बहुत से तरीके हैं आप बोल के लिख के किसी भी तरह। क्या लिखना क्या है बताए, मैं लिख के उसे भेजूं। थोड़े अगर जिंदगी में होता ना मोहब्बत तो हो ही जाती है। हाँ जी। तो कोई आइडियल होता तो उससे मोहब्बत होती है। आपका क्या आइडियल है? मेरा जो आइडियल है मेरी उससे शादी हो चुकी है। हो गई है? हाँ जी। तो बाजी पॉइंट कर देगी इन्हें। अल्लाह मेरे जनोई नु तरक्की देवे, अल्लाह मेरी भैन का घर सुखी रखे। आपकी शादी हुई है जमील साहब? ये जरूरी पूछ रहा है? कोई इतना दुखता हुआ सवाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। हुई भी है जी। तो आप फिर घबरा क्यों रहे हैं? वैसे माना कि आप शक्ल से नहीं लगते, यंग लगते हैं। कितना अरसा हो चुका हुआ है? अच्छा ये भी जरूरी है यार, इतना काफी नहीं? अच्छा शादी हुई हुई है। नहीं मगर मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि आप इतना यंग लगते हैं तो कोई बहुत ही पहले हुई होगी या बहुत ही छोटे होंगे आप। जी जी बहुत पहले हुई। शादी से पहले जिंदगी अच्छी होती कि शादी के बाद? क्यों मेरे कोट पाओ मुझे काट रहा मैं वापस घर ही जाना है। जमील साहब वो तो आपके साथ वैसे ही हो जानी है, अब जो आपने पहले दो जवाब दिए तो कोट साहब पढ़ने के है, मगर वैसे अब जवाब दे ही दे उनको अगर आपसे पूछ लिए। मेरा ख्याल पहले ही ठीक है, बाद में भी अच्छी हो सकती है। बाद में भी अच्छी हो जाएगी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाद में आप बीवी हैं जो आपके जवाब है उसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगा कि शादी ज्यादा मुश्किल है या फिर नजीर चौहान को हराना? बिल्कुल फिर भी वैसे ही मैं जानना चाह रहा हूँ ज्यादा जोर किस में लग रहा है? नजीर चौहान पे लगा नजीर चौहान पे लगा। आप सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं? जी जी करते हैं। और ये इंस्टाग्राम वगैरह भी करते हैं? नहीं इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक पे हैं फिलहाल। फेसबुक पे हैं। और पहले मैं बहुत कम करता था, इलेक्शन में ही मैंने ज्यादा किया जी। अच्छा। पहले तो मैं करता ही नहीं था। एक आईडी नहीं अजरा नाम दी वो मेरी है। आपको इतना नहीं है शौक वैसे सोशल मीडिया वगैरह का? अच्छा आपका तो खैर काम ही सारा का सारा सोशल, आपको चाहिए ना आप उन्हें कन्विंस करें कि वो सोशल मीडिया पे आएं? नहीं उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो आना चाहते हैं तो आप ना आएं। नहीं अब तो आ गए हैं, पहले नहीं थे अब तो आ गए। हां मगर नहीं कोई एप्स बताएं उनको कौन कौन सी और यूज करनी चाहिए, तो फेसबुक पे ही है सिर्फ आजकल? तो इंस्टाग्राम ज्यादा ट्रेंडिंग है। अच्छा तो इंस्टाग्राम करें। और उसके अलावा टिकटॉक वगैरह? टिकटॉक का मुझे इतना शौक नहीं है। आपको नहीं है तो आप रिकमेंड नहीं करेंगी? जो मैं यूज करती हूँ मैं वही रिकमेंड करती हूँ। अच्छा आपने वैसे टिकटॉक देखी हुई है? देख रहा हूँ डेली, कोई टिकटॉक पे मेरी किधर लगा रहा है कोई किधर लगा वैसे रहा है। वैसे मैं यकीन करूँ कि अगर तुम्हें एक तरीका दसा तो एकदम वायरल हो टिकटॉक पे। हो गया दो मझा खिला रहे इथे पैर रखो इथे अजय देखो जाओ तुम ठीक है। ट्राई तो करके दिखाए ना उनको ये। You know, 3 months ago, मैं एक खोखा पाया सी। अच्छा। क्या जा? बाजो ऐसे इकबाल सब मेरे जोरा च बह गए। अच्छा। उन्होंने अनाउंस करता भी जो चावन है पियो एक चाह पियो। हाँ। वो लोकी भी मान गए। अच्छा। मेरे गाह के अगे आधे हो गए। मैंने लॉस हो गया, मैं फिर उन्होंने छज दिता। अच्छा। वो 2-3 महीने फिर मैं खुआरी कच्ची है। बच्चों हूं थे मेरे ग्रेट लीडर इमरान खान साहब, इमरान खान साहब जी हुकूमत आ गई है। ओ मैं खोखे वाले को गया, मैं कह रीडू करा। रीडू? हाँ जी। बच्चों ने जी रेट ही वजह जीते महंगाई जितनी हो गई है। यस ओ मैं फिर उन्होंने गल करके भांडे भूडे मेरे को पे ने, चूल्हा भी पिया पचीला भी पिया ठीक है, 4 कप भी पे ने ठीक है। बस वो खोखा मैं दुबारा वो कहने तू मुझे अगर 3 महीने का जो आंस दो ना तो मैं तुम्हें वापस उससे जला दूंगा। ओके कुड यू प्लीज गिव मी 15,000 मेरा काम चल पेगा, तुम 50% दे पार्टनर होगे, जिन्ने पैसे कमावांगा ओदे च मैं 300 रुपए महीना तुहानू देंगा। भाई होंगे तो मैं दूंगा ना इतने, मैं तुहानू डालरां च देने ने। और भाई मेरे पास डॉलर वधे, तेनु पता नहीं कि खुशियां बहुत ने। पहली बार एमपीए, फर्स्ट टाइम एमपीए। मैं नून लीग वाला को नहीं। अरे नून लीग नहीं है, पीटीआई। ओ मेरे लीडर इमरान खान साहब जी सिपाही ने। ओ यस पंजाब असेंबली। वाह दिस इज गुड, तुहाडे वास्ते वेलकम मैं करता हूं जी।
बेस्ट विशेज हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने जितनी दुआएं मांगी हैं ना आपके लिए। साढ़े भी भैड़े ही नहीं लेकिन तू भावे लाख रुपया मांग ला, पहली बार एमपी बने उन्होंने पूरे तो कर ही लेने। चेहरे तो बड़े सफेद पोस्ट जे लग रहे ने जी, लोग एडी अच्छी है की जरूरत सी इलेक्शन लड़ने की, फिल्म बनाते हैं शबीर गुजर अपनी बनानी सी वैसे गुजर। गाना बड़ा मैं बड़ा सुना था वे गुजरा वे वो आप नजीर चौहान सब सुन रहे हैं। देखो ना एहसास प्रोग्राम उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने फौरन दिखा दिया एहसास, देख लो एहसास दिखाया हूं तो मैं सुने वो 12,000 की जगह 20,000 होने लगे। अच्छा जी हाँ, 20,000 मैं उठो लवांगा इन्हों के लंगर खाने च रोटी खावांगा ते 50,000 च सोवांगा, यानी 20,000 हर महीने सेफ। ऐ बाबा चुक लिए राइट नाउ ते मैं कोई कारोबार करना जो जो जा आ गया है इमरान मेरी जान, वो बन गया नवा पाकिस्तान। आई लव यू इमरान खान, आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू शबीर गुजर साहब, हल्का 167। थैंक यू जी, लव यू पीटीआई। नाले तियां पैने को पैसे लेंदा बंदा चंगा लग जाए, 100 रुपए तो खुला। बंदे बैठे को 10-12। अच्छा यार पहले मैं कदे नहीं सन वेखे, ना मैं सियासत वेखे ना मैं वैसे मैं जिंदगी कदी वेखे। ਉਹ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੌਣ ਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਨ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਥਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਥਾਨ ਕੱਪੜੋ ਕੇ ਥਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਮਨੂ, ਕੋਈ ਆਫ ਵਾਈਟ, ਕੋਈ ਵਾਈਟ। ਯਾਰ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਹਾਏ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਸ਼ੂਜ਼, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਥਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਭਤੀਜੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਸਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ। ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਭ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਆਈਲ ਕੀਪ ਦੈਟ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹਮ ਕਰਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ,
गलती हो जाती बिलकुल हो नहीं जाती बी इस प्रोग्राम मजाकरात कि गलतियां होंगे ने कोई भी तो उन्होंने रखे ही हो खूबसूरत माशाल्लाह फ्रेश भी हो नैब वाले खुश हो जाएंगे और नैब वो बेचारा भी आया तुम नैब नैब कर लो सर नैब जी फसा दियो जी नहीं फायदा नहीं फसने वन सेल्फिश विद यू नो मैडम तो नाराज हो गए इसलिए क्या हमेशा पहले पूछा करो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट एक्चुअली आई एम बगलोल टाइप इंसान टाइप नहीं यार आफ्टर ऑल असि थोड़ी हिफाजत करने हैं असि जागने हैं तो तुम सौंदे हो इना जागते हैं जमाना बदल गया प्रवेश इलाही साहब की गवर्नमेंट आ गई है हुण असि थाने जो दरवाजे ने उन्होंने पासवर्ड ला लै हां जी पासवर्ड बोलोगे तो खुलेगा जहीन आदमी भाभी नूं कहिंदा दीवार ते किरली क्यों है कहिंदी किरली नहीं शीशा लगा जे थाने कदी ना कदी आएगा ना जे ना गुजर साहब आए नाले तेरी सिफारिश वास्ते ते फिर आखी क्योंकि हुण असि इन्हां दी मननी बल्कि इन्हां दी मनदे आए हां अपनी नौकरी असं कितने करने है? इजाजत है कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम हो मैं नहीं दसना वेलकम बैक जी रुखमा खबर क्या है कैसे पिया स्माइल प्लीज वो क्यों वो इसीलिए क्योंकि फिलिपाइंस में एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है स्माइल पॉलिसी जिसके मुताबिक ऑफिस में मुलाजमीन अपना काम करने के दौरान मुस्कुराते रहेंगे और अगर कोई शख्स ये हुक्म नहीं मानेगा तो उसकी 6 माह की सैलरी काटी जा सकती है और तो और उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है उठे तो किसी वर्कर नु दर्द भी हो गए तो बंदे ने पता ही नहीं करना आ मैं दर्द हो गई बंदा पूछ रहा होया किसी यार किधर मजा दे चला दवाई ले के आज बहुत मजा आया यार इनकी दर्द रहे सारी जिंदगी तेरे पता लगे जी मुलाजम क्यों नहीं आया उसने दाढ़ कटाई दर्द होने जी हंस नहीं सकता आपको तो नौकरी मिल ही नहीं सकती क्यों आपका तो नाम ही उदास है नहीं नहीं तुम तो 24 घंटे उसे ओवर टाइम लाते हो ना तो चलती रहती है इसके अलावा कोई आपका शौक वगैरह है कोई जाती तौर पे हॉबी या कुछ ऐसा हॉर्स राइडिंग का शौक है कब से कर रहे हैं राइडिंग ये बचपन से ही लगा बचपन से ही लगे हुए हैं वाह तो ये घोड़े छोड़े सारे वहाँ पे ही हैं या कोई और भी लाए हैं नहीं जमीनों पे ही हैं जमीनों पे रखे हुए हैं तो जब कोई दिल चाहता है या कोई अकेला वक्त गुजारना हो तो जी कर लेते हैं जी जमीन पे चले गए और फिर राइडिंग पर राइडिंग बड़ी गल घोड़ियों ते बैठ के शेर दा मुकाबला कीता देख लें फिर जो भी किया अच्छा सर मैं एक सवाल है मेरे दिल से को राणा साहब की स्टेटमेंट सुनी थी कि मैं गवर्नर राज लगा दूंगा ये वो ए सीरियस सवाल है थोड़ा जा मैं सुनो ला सकते नहीं कुछ शेक है उन्होंने को जरा थोड़ा लगा सकते तो लगाए जी हम कब रोक रहे हैं अगर लगा सकते तो लगा ले जिन्हें को ना कोई इख्तियार है सिर्फ मोहल्ले से नाका ही ला सकते खाली बट्टी मार सकते हैं कर कुछ नहीं सकते मुलाकात हुई है चॉइस साहब से जी जी हुई है जी मुबारक दे दी आपने जी मुबारक दे दीजिए वाह 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 हमारी तरफ से भी उनको देने हमारे बड़े प्यारे भाई भी हैं जरूर जी जरूर खुद क्यों नहीं देते जाके जावांगे जी फूल लेके जावांगे सस्ते हो लेंदे फूल में लेके जाओ यार सस्ते छोड़े सर हमारा सेगमेंट इस पे आवाम को मौका देते हैं अगर वो कोई आपसे सवाल पूछना चाहे आप लोगों से तो जी मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अली है मेरा क्वेश्चन मैम से है मैम आपको जो नेगेटिव फीडबैक आते हैं आप उसको कैसे टैकल करती हैं नेगेटिव कमेंट्स जो आते हैं जी सोशल मीडिया नेगेटिव कमेंट्स को बेसिकली मैं इग्नोर करती हूं शुरू में स्टार्ट में मुझे होता था कि मतलब इस टाइप के लोग मुझे क्यों फॉलो करते हैं या क्यों मुझे देखते हैं बट लाइक अब मैं इग्नोर करती हूं उनको ब्लॉक कर देती हूं या इग्नोर कर देती हूं ब्लॉक कर देती हूं और इग्नोर कर देती हैं जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आकिब सरवर है और मेरा क्वेश्चन सर आपसे है शबीर गुजर साहब क्या आप पॉलिटिकल लेवल पे जैसे आप बहुत ज़्यादा इन हैं ऐसे ही आप क्या अपने सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस को रिस्पांस करते हैं जी जी बिल्कुल करता हूँ रिस्पांस जी उनकी मेहरबानी है जो मुझसे प्यार करते हैं क्यों नहीं उनका रिस्पांस करना अद्धा अद्धा किलो दूध भी दे के उन देखा अच्छा तो यानी कि फैंस को रिस्पोंड कर रहे होते हैं जी 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 खवातीन फैंस को भी सबको जी सब अच्छा ठीक जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है सर मेरा क्वेश्चन आपसे आपका पीटीआई में आने का मकसद क्या था और अब आपको आवाम ने इलेक्ट किया है एज एमपीए तो आपका जो है ना फ्यूचर गोल्स क्या है मतलब आप आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं मैं इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी मैंने जो जो वादे किए अपनी आवाम से
इंशाल्लाह मैं हमेशा उन वादों पे कायम रहूंगा, वो वादे पूरे करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हक और सच की हमेशा आवाज उठाऊंगा। और मेरा लीडर सच्चा एक लीडर है, ईमानदार लीडर है, जुर्त वाला लीडर है, दलेर लीडर है, वो गरीब आवाम का सोचता है, इसलिए मैंने उसको लाइक किया और अब मैं पार्टी में आया। मेरी फर्स्ट पार्टी पीटीआई पार्टी। गुजर साहब, हमारा सेगमेंट है 2020 का, आपको मैं सवाल पूछूंगा और साथ ऑप्शन दूंगा। जी जी। आपने उसी ऑप्शन में से जवाब चूज करना है। जी जी। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं चूज कर पा रहे या नहीं करना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है जी? जी, जी मेरा मशवरा होगा कि आप यहीं पे चूज कर लीजिएगा, इस पे ना जाइएगा, बेहतर ही होगा। हाँ, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा जी? मिसी खेलेंगे जी इनसे। सुंदर सा, आप एग्रीड हैं से? जी बिल्कुल जी। सुंदर से ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं साहिर लोधी और मुबशर लुकमान। मुबशर लुकमान। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ। स्माइल किन को दे रही है? हुमायूं सईद को। और किसका फ्लोर आ गया है? थर्ड वाले कौन से? अली जफर। हाँ जी, अली जफर। ठीक है, ये बताइए आप चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठकर, किसी एक को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वही छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो और राणा सनाउल्ला। राणा सनाउल्ला साहब का मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जो दूसरी ऑप्शन है, बिलावल साहब को छोड़ के आएंगी। हाँ, दो चांद एक जगह पे कैसे रहेंगे? ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ अली जरदारी। याद रहे, एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी बेटर ऑप्शन है, जरदारी साहब ही होंगे टाइटैनिक के ऊपर। उन्होंने टाइटैनिक ड्राइवर का ना, तुमने ना इमरान खान के खिलाफ वोट देना है। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शबीर गुजर और कैसर पिया। ये आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया, देख लें कोई नहीं, भरा बचा लो। तो हाँ, भाई को मैं बचाना चाहूंगी। वाह वाह वाह, आप बच गए सर। जी शबीर साहब, ये बताइए, बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद हुआ हुआ है, आज कार्ड भी नहीं चल रहा आपका, रात को खाने पे लेके जाना है, 10-20 बंदों का खाना है, किसको अपने साथ लेके जाएंगे? क्योंकि आपने बिल उनसे ही निकलवाना है, वो कौन इंसान होंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान और जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान, मुराद रास और मियां असलम इकबाल। तो सेल्फी किसके साथ है? मियां असलम इकबाल। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? फयाजुल हसन चौहान। और किसका फ्लोर आ गया है? मजबूरी है, मुराद रास। ठीक है सर, ये बताए चांद पर आप भी जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को लेके, किसको छोड़ के आ जाएंगे वापस आप खुद? ऑप्शंस आपके पास जो हैं अता ताड़ और राणा सनाउल्ला, एक को छोड़ना है। दिल तो दोनों को करता छोड़ दूं, लेकिन अता ताड़ को छोड़ दूं। अता ताड़ को छोड़ दिया वहां पे, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट, नून लीग से। जी जी जी। डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं असद खोकर और नजीर चौहान। असद खोकर। असद खोकर को बचा लिया है, नजीर चौहान को डुबो दिया है यहाँ पे। जबीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।